अस्सलाम वालेकुम। हॉलीडे पैक मैथमेटिक्स क्लास वन एक्टिविटी नंबर वन है एडिंग विद डॉट्स। काउंट ड्रॉ डॉट्स रीड राइट नंबर एंड फाइंड द सम। जिनमें डॉट्स मिसिंग होंगे उनमें हम ये डॉट्स बना देंगे और फिर उनको काउंट करके लिखेंगे और एंड में उन्हें सम अप करेंगे, ऐड करेंगे और टोटल जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वन है 3 + 2 = 5। इसी तरह से ही आप फुल पेज को कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी नंबर टू है विच नंबर कंप्लीट्स द सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड उन्होंने कंप्लीट किए हुए थे, सेकेंड वन मिसिंग था। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए एक हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली ऐड किया हुआ है। हम इस सर्कल में से देखेंगे फर्स्ट में से, ठीक है, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है 10। ओके, और स्मॉलर है या स्मॉलेस्ट बोलेंगे वो है 1। ठीक है, 10 ग्रेटर है, उसे हम साइड पे कर लेंगे। 1, 3 एंड 6 को जब ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 10। और अगर 10 में से 6 माइनस करें देन 3 माइनस करें एंड आंसर इज़ 1। यानी कि इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है। इसी तरह से इसमें ग्रेटर 13 देन स्मॉलर 2 है। 13 में से 6 और 5 माइनस करेंगे तो 2 आंसर होगा। 2, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आंसर है। सेम लाइक एज हमें इधर ऐड अप किया है हमने, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 1 है तो हमें ग्रेटेस्ट भी चेक करना क्या होगा। उसमें हमने देखा 1, 3 और 5 को ऐड किया तो 9 आ गया। जब 9 में से 5 और 3 माइनस कर दिए तो 1, यानी कि ये इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज़ 9। तो इधर हम आंसर लिख देंगे 9। इसी तरह से अब हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3। ओके, सर्कल एंड ड्रॉ द वन दैट कम्स नेक्स्ट। सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसे ड्रॉ करना है। अपने इधर ड्रॉ भी कर देंगे, टिक भी कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, विच नंबर इज मिसिंग। मिसिंग नंबर है 13। कैसे, ऊपर से हम चेक करेंगे देन 3, 5 एंड 7। इसमें 2 का डिफरेंस है, ऐड करते हुए 3, 5 एंड 7। सेकेंड वन में है बैकवर्ड्स 8, 7 एंड 6। थर्ड वन में हमारे पास इस तरह से आइडिया हो गया 9। और 5 में हम चेक करेंगे कितना डिफरेंस है, ये सबट्रैक्शन की तरफ जा रहा है ना। 4 माइनस किए तो 5 आ गया 9 में से। इस तरह से हम चेक करेंगे पहले क्या आएगा तो 13 आएगा, बिकॉज 13 - 4 = 9, 9 - 4 = 5। ये एक सीक्वेंस सेम हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, काउंट ऐड अप एंड राइट द सम। इन्हें हम ऐड करेंगे और आंसर लिख देंगे। एक्टिविटी नंबर 6, काउंट एंड राइट द सम। इन्हें भी काउंट करेंगे और आंसर मार्क कर देंगे। एक्टिविटी नंबर 7, कलर द गिवन पिक्चर बाई यूजिंग नंबर की। ओके, इधर उन्होंने दिया हुआ नंबर 1 में ब्लू, 2 ग्रीन, देन ग्रे, ऑरेंज, येलो एंड ब्लैक। इनके अकॉर्डिंग आप इस पिक्चर में कलर करेंगे, यानी जिस नंबर पर जो कलर लिखा हुआ है आप वही कलर करेंगे। एक्टिविटी नंबर 9 है लुक एट द पिक्चर्स इन द बॉक्स और मे बी बॉक्सेस। आंसर द क्वेश्चंस बाई सर्कलिंग द करेक्ट पिक्चर। ओके, हमें बॉक्सेस में चेक करना है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है अकॉर्डिंगली हम उसको सर्कल कर देंगे। जैसे फर्स्ट वन में है व्हिच इज बिगर, बिगर है जो उसे सर्कल करेंगे, देन स्मॉलर, स्मॉलर एंड बिगर। एक्टिविटी नंबर 9 है हाउ मेनी मोर बॉक्सेस डू वी नीड सो एवरी बग हैज़ अ बॉक्स। ठीक है, देन इस तरह से, और नेक्स्ट है कि राइट द करेक्ट आंसर, और जो करेक्ट आंसर है वो भी पुट करना है। तो इसमें हमें पता चल रहा है हम करेंगे तो सबट्रैक्ट हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए एक बेसिक वो भी है बॉक्स बिकॉज बने हुए हैं। देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 हमने लिख लिया, उसके बाद जो बग्स हैं जिनके पास नहीं है बॉक्स उनके नीचे भी नंबरिंग की 1, 2, 3 एंड 4। इससे हमें ये पता चल गया आंसर तो 4 ही। अब हम इक्वेशंस चेक करेंगे जिसका आंसर 4 आता है उसमें हम पुट कर देंगे। 10 - 1 = 9 वो नहीं लिखेंगे। 10 - 6 = 4 यस ये करेक्ट है। 10 - 3 = 7 ये भी नहीं है। 6 - 3 = 3 ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमें हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका था, हमने उसको फिल कर लिया। नेक्स्ट है उसमें है जी 10 - 2 = 8, देन थर्ड वन इज 10 - 5 = 5। एक्टिविटी नंबर 10 है सबट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। हमें करना है इसमें सबट्रैक्ट
और आंसर लेकर आना है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 10, नंबर दे दिया उन्होंने, माइनस क्या करेंगे जिससे हमें पता चले कि आंसर 3 आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास मतलब बच्चों के लिए एक हिंट ये है कि आप 10 में से 3 माइनस कर लें तो भी जो आंसर आ जाएगा इसका मतलब है वो करेक्ट है। जब हमने 10 में से 3 माइनस की इक्वल्स 7, इसका मतलब है 10 माइनस 7 इक्वल्स 3, तो ये हमें इससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी पेज ऐसे ही है। और जिनकी फर्स्ट अमाउंट नहीं लिखी हुई, फर्स्ट नंबर डिजिट नहीं दिया हुआ और सेकंड लिखा हुआ फोर्थ, उसमें क्या करना है, उसमें दूसरे दोनों यानी सेकंड नंबर को और थर्ड को ऐड कर लेंगे हम। 6 + 2 = 8, मतलब कि 8 मिसिंग है, 8 - 6 = 2। इस तरह से ये थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, तो बच्चों को इसके लिए हिंट दी जा सकती है कि इस तरह से ये इसे सॉल्व करेंगे।